चार बजे तो अब खड़ी हो गई है, अब बगैर टाइम वेस्ट किए ना नीचे झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। सुबह मासूम भाई ना मुर्गा ऊपर लेकर आए थे ताकि ना दोनों की दोस्ती हो जाए, मुर्गा और मुर्गियों की। ऊपर लेकर आए, अभी खुट्टे में उसने छोड़ा। मैं डर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहीं भी ना मुझे आके ना मारे ना, फिर भी आपको मैं थोड़ी कोशिश करके ना अंडे दिखा देता हूँ। इस तरफ मैंने ना सॉसपैन में पानी रखा हुआ है और उसके बीच ना रोटियां डाली हुई है, अब इन्हें डाल के आते हैं ऊपर। क्या हुआ अपने फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग हमसे ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज जुम्मा मुबारक है मेरी तरफ से, आज फ्रेंड को जुम्मा मुबारक हो। फ्रेंड्स बहुत दिन हो गया हमारी मुर्गी ना अंडों पर बैठी हुई है, मैंने कहा आज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि हमारी मुर्गी कैसे अंडों पर बैठी है और उसके नीचे कितने अंडे हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो करना ना भूलेगा। अभी मुर्गियों के लिए अपना पानी लेके जाना है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी। दाने तो हमने फिलहाल ऊपर बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर दाने डाल के आया हूँ और हमने सुबह भी दाने डाले थे, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा दाने हो गए हैं। पानी लेके जा रहा हूँ और ऊपर ना झाड़ू भी लेके जानी है क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, झाड़ू से ना सारा कचरा साफ करते हैं। तो अब ऊपर की तरफ चलते हैं लेके। इस तरफ मैंने ना सॉसपैन में पानी रखा हुआ है और उसके बीच ना रोटियाँ डाली हुई हैं। देखें रोटियाँ ना अभी बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, अभी इन्हें डाल के आते हैं ऊपर। ये देखें बिल्कुल टूट रही हैं। अब मुर्गियों को ऊपर डाल के आते हैं और यहाँ से ना झाड़ू भी पकड़ लेते हैं, ये हम यहाँ से ऊपर फेंक लेते हैं। चलो जी गई ऊपर, अब सॉसपैन पकड़ के ऊपर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और ऊपर देखे कितना ज़्यादा कचरा हो गया, हवा ना अभी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। ये मैंने चारपाई ना यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि मैं रात को ऊपर सोता हूँ, तो इसे अभी ना खड़ा कर देते हैं, इसके बाद फिर नीचे ना सफाई करेंगे। सबसे पहले सॉसपैन में जोन सी रोटियाँ हैं और पानी है, ये मुर्गे को डाल के आ दें। देखिए काली मुर्गी ना मुझसे डर के खुडे में जा रही है। आपने खाना है? खा लो खा लो। और इस खुडे में देखे कितने ज़्यादा दाने खिलड़े हुए हैं। पानी तो उसके पास है, पानी गंदा हो गया होगा। हाँ गंदा पानी हो गया, पानी भी इसका बदल देते हैं। देखिए मुझे देख के कैसे इसने बाल खड़े कर लिए, मुझे मारे ना कहीं पे पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे पानी मैंने गिरा दिया, अब इसमें हम ना रोटियाँ डाल लेते हैं और पानी डाल लेते हैं। जोर से मारिए, देसी मुर्गियाँ ना काली ये रोजाना नीचे आ जाती है, नीचे आके खा लेती है, इसलिए इसे नहीं मैं डाल रहा, ये हमारी सील मुर्गी खाएगी। ये अभी थोड़ी देर पहले नीचे आई थी, आगे ना खाना खा रही थी नीचे। देखे इसने बाल कैसे खड़े किए हैं, मैं डर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहीं पे ना मुझे आके ना मारे ना, फिर भी आपको मैं थोड़ी कोशिश करके ना अंडे दिखा देता हूँ। देखे माशाल्लाह जी 6 अंडे हैं नीचे, नीचे टोटल ना 6 अंडे हैं। मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि ना अगर अंडे को हाथ लगाए ना बच्चे नहीं फिर बीच से निकलते। देखे कैसे बैठी हुई है ये, इससे अभी ना तीसरा दिन हो गया अंडे पे बैठी हुई को। सुबह मासूम भाई ना मुर्गा ऊपर लेकर आए थे ताकि ना दोनों की दोस्ती हो जाए, मुर्गा और मुर्गियों की। ऊपर लेकर आए, अभी खुड्डे में उसने छोड़ा, ब्लैक मुर्गी भागी भाग गई, उसके सारे ना बाल खींच लिए। उससे शुक्र है अभी कुछ हुआ नहीं था। उसने सुबह ना बहुत ज़्यादा चिंके मारी, मैं एकदम से उठ गया। मैं अभी ऊपर आया, ऊपर मैंने देखा कि मुर्गे को ना मार पड़ रही है। मैंने मासूम भाई को कहा जाओ मुर्गा पकड़ो, मासूम भाई भी डरी जाए आगे से। फिर मैं जल्दी मुर्गा भाई निकाला, उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी सुबह, वो चीखे इतनी ज़्यादा मार रहा था। मैंने कहा आज के बाद इसे ना मुर्गियों के साथ नहीं मैंने रखना, मैं नया मुर्गा ले आऊँगा। फिलहाल ना ऊपर सफाई करते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हुआ हुआ है, अब जल्दी ना ऊपर से सफाई कर लेते हैं। देखिए मासूम भाई ने ना इसके ऊपर पता नहीं क्या रख लिया है, ये हम ना नीचे रख देते हैं। ये पता नहीं क्या बनाई जा रहा होता है, इसने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। ये देखें लड्डू, इसने लड्डू बनाए इतने ज़्यादा, बहुत सख्त हो गए हैं, टूट नहीं रहे हैं। देखा ये वाले टूटा, नीचे वाले टूट गए हैं। अब हम चारपाई ना खड़ी कर देते हैं, चारपाई तो अब खड़ी हो गई है, अब बगैर टाइम वेस्ट किए ना नीचे झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं झाड़ू लगाना।
सारा गंद मैं इकट्ठा करके ना यहाँ पे ढेरी लगा दूंगा। चलो जी, मैंने ढेरी लगा दी है और छत देखे बिल्कुल साफ हो गई है। और अभी ये जो सी आगे ईंटें गिरी हुई है ना, ये भी हम उठा देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं। ईंटें भी देखे सीधी हो गई है बिल्कुल, अब ये नीचे नहीं गिरती ईंटें। और मुर्गी को देखते हैं, मुर्गी कहाँ पे चली गई है, हमारी ब्लैक मुर्गी। हाँ भी आपने ना अंडे के ऊपर बैठना, आपकी छोटी बहन बैठ जाती है, देखें ये वाली मुर्गी बैठ जाती है सील, ये वाली नहीं बैठती। आपने नहीं बैठना अंडों पे, आप भी बैठ जाओ, आपने नहीं बच्चे लेने। ये नहीं बैठ रही अंडों पे, ये बल्कि ना अंडे तोड़ तोड़ के खाती है, जब भी अंडा दे देती है ना तोड़ के खा जाती है, ये बड़ी ही भूखी है। हालांकि सुबह सुबह आके ना नीचे खाना वगैरह भी खा लेती है, जोन सी भी नीचे चीज़ें गिरी और रोटी वगैरह वो भी खा लेती है, फिर भी अंडा तोड़ तोड़ के खाई जा रही होती है। हमारी ब्लैक मुर्गी को ना तकरीबन 5 साल हो गए यहाँ पे रहती हुई को। ये जब नई नई आई थी ना, तब ये डब्बे में पैक हो गई थी, मेरा अबू लेकर आया था। मैं बहुत ज़्यादा मांगता था अपने अबू से, तो मेरा अबू ना छोटे छोटे चूजे लेकर आता था। मैंने कहा नहीं, अब मैंने बड़ी मुर्गी लेनी है। बहुत ही जिद के बाद ना मुझे एक ये वाली बड़ी मुर्गी मिल गई, अभी तक है, कितनी ये पुरानी है। देखे हबीब ना यहाँ से आ रहा है, देखे वीडियो बनाने के लिए वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आया। आपने वीडियो बनानी है, मैंने देखा था आपको, मुझे यहाँ से देखा था, आप वीडियो बना रहे थे तब। हबीब कह रहा है मैंने वहाँ से आपको देखा था, वीडियो बना रहे थे। अब ये देखे यहाँ पे छलांग लगाने लगा है। अभी हमारे पास ना मिट्टी नहीं है, इसलिए हम ना ये खुड्डा नहीं तोड़ रहे हैं। अगर हमने तोड़ दिया ना, फिर ये मुर्गे कहाँ पे रहेंगी, इसलिए हम खुड्डा नहीं तोड़ रहे हैं। जब हम नई मिट्टी ले आएंगे ना, फिर हम नया खुड्डा बनाएंगे। अभी अभी देखे आते साथ ही ये जो सा सरिया है इसे नीचे गिरा के इसके ऊपर बैठ रहे हैं। झूले लेने हैं आपने, क्या हुआ? हमारी मुर्गी मर गई थी। मुर्गी मुर्गी हाँ। कौन सी, बड़ी वाली है छोटी वाली? बड़ी वाली। बड़ी वाली हमने छोटी सुखा ली थी, इतनी बड़ी हो गई थी, वो बेचारी मर गई। वो बहुत अच्छी थी, मैं उसे बहुत ज्यादा दाना दाना डालता था, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी थी। हम सारों का खाने का दिल नहीं किया, वो घर में किसी ने नहीं खाया, बहुत अगर आपने असर की मुर्गी नहीं देखी जो उनसी मर गई है, आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं, वहाँ मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। हबीब और रहमान देखे वहाँ पे ना जंगला से लगा रहे हैं, यहाँ से चढ़ के ना ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से नीचे उतर जाएंगे। घर जा रहे हो, देखते हैं हबीब कैसे जाता है। हबीब तो गया चले, हबीब तो चला गया, अब रहमान जा रहा है। हबीब तो अपने घर चला गया है, अब मैं अभी नीचे की तरफ चलता हूँ। जोन से बर्तन पड़े हैं वो भी हम नीचे की तरफ ले चलते हैं, अब ये सोसलन पकड़ते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अभी देखें सूरज भी बिल्कुल ग्रूब हो चुका है, और आज का मौसम चेक करें, वो सामने ऊपर ना गुड्डे भी उड़ रही हैं, चेक करें। और यहाँ पे कोई गुड्डी नहीं उड़ रही है, एक ही बस उड़ रही है। अभी बिल्कुल ना सूरज ग्रूब हो चुका है, फ्रेंड्स मैं सॉस पैन नीचे ले आया हूँ, अब हम ना खुड़े में रख देते हैं सॉस पैन। हमारा मुर्गा ना रोटी खा रहा है नीचे, मुझसे डर के ना वहाँ भी भाग रहा है, आगे आगे। ऊपर से तो हमने झाड़ू लगा लिया है, अब नीचे से हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे भी सारा गंद बजा हुआ है। अब हम नीचे से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, ये पड़ा हुआ है झाड़ू। ये पकड़ के ना अब बास्केट में फेंक देते हैं। चलो जी, झाड़ू मैं नीचे लगा लिया है, फर्श भी बिल्कुल साफ हो चुका है। फ्रेंड्स नीचे से मैंने सफाई कर ली है, ऊपर से भी मैंने कर ली है, और मेरी हालत देखिए क्या हो गई है।
तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे उतार फर्स्ट व्लॉग में, तब तक ले ओके बाय। अभी ना सूरज भी ग्रूब हो रहा है, बिल्कुल ही ना धूप चली गई है।